कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे के मद्देनजर सिद्धबाड़ी स्थित ग्योतो मोनेस्ट्री में एक माह के लिए पर्यटकों व आम लोगों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। पर्यटकों को मुख्य गेट से ही वापस लौटाया जा रहा है। मोनेस्ट्री प्रशासन ने बीते 5 मार्च को मोनेस्ट्री का मुख्य गेट बंद कर बाकायदा एक नोटिस चस्पा किया है। इसमें कहा गया है कि विश्व भर में कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे के मद्देनजर एहतियात के तौर पर ये कदम उठाया गया है। मोनेस्ट्री के प्रशासनिक कार्यालय की ओर से कहा गया है कि इस दौरान मोनेस्ट्री के अंदर स्थित मुख्य मंदिर में जाने और किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम पर रोक रहेगी। एक माह के बाद हालत का जायजा लेने के उपरांत ही मोनेस्ट्री को आम लोगों के लिए दोबारा खोलने पर निर्णय लिया जाएगा। बता दें कि सिद्धबाड़ी स्थित ग्योतो तांत्रिक मोनेस्ट्री में तिब्बती गुरु करमापा उगेन त्रिनले दोर्जे का निवास स्थान है। हालांकि करमापा बीते 2 साल से भी अधिक समय से विदेश में है, लेकिन करमापा की अनुपस्थिति में ही बड़ी संख्या में उनके अनुयायी यहां आते हैं। यूरोप सहित पश्चिमी देशों से भी हर साल हजारों बौद्ध अनुयायी यहां पहुंचते हैं। वर्तमान में सैकड़ों बौद्ध भिक्षु ग्योतो मोनेस्ट्री में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। देखो, कोरोना वायरस का पूरा विश्व इससे भयभीत है। अभी प्रधानमंत्री जी ने भी कहा और हमारे जो सरकार है इसके लिए बड़ी गंभीर है। कोरोना वायरस से कुछ आदमी को इसमें कुछ चीज़ों से बचना है। अगर वो करते हैं तो निश्चित रूप से कोरोना वायरस से बचा जा सकता है। जैसे हमारी पुरानी पद्धति रही है, पहले हम नमस्ते करते थे, लोग पाँव छूते थे या नमस्ते करते थे। हाथ मिलाना से आदमी को परहेज करना चाहिए और साबुन से हाथ धोने चाहिए, अच्छी तरह से हाथ धोने चाहिए। हम इससे बच सकते हैं। पूरी मतलब केंद्र सरकार इसके लिए बड़ी गंभीर है और केंद्र सरकार ने कई इसके लिए डायरेक्शन दी हैं और इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो आम जनता को इसके प्रति जागरूक करने के लिए स्वास्थ्य विभाग जिला कांगड़ा द्वारा अभी तक लगभग 1.5 लाख पैम्पलेट्स जो है वो आम जनता में डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। हमने अपने सारे स्वास्थ्य संस्थानों को आदेश दिए हैं और काफ़ी जिस स्वास्थ्य संस्थानों में वो बैनर्स जो हैं इंफॉर्मेशन के वो डिस्प्ले भी हो गए हैं। साथ में हमने एजुकेशन डिपार्टमेंट को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू अप्रोच किया था कि बच्चे जो मॉर्निंग असेंबली में हैं उनको इसके बारे में जागरूक किया जाए। वो महिला ग्राम सभा का आयोजन हर एक पंचायत में किया जा रहा है। हमारे हेल्थ वर्कर्स और आशा वर्कर्स और जो कंसर्न ऑफिसर्स हैं वो हर एक ग्राम सभा में जा करके आम जनता को इसके बारे में जागरूक किए जाएंगे। जागरूक जैसे जो प्रिवेंटिव स्टेप्स हैं वो भी जागरूकता का ही एक हिस्सा है और जागरूकता का मकसद साथ में जो भ्रांतियाँ हैं लोगों को इस बीमारी के बारे में उन भ्रांतियों को भी दूर करना है। जब तक जो आम नागरिक इसके बारे में सही तरह से जागरूक नहीं होगा तो इससे बचाव संभव नहीं है। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए धर्मशाला ब्यूरो की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश की हर बड़ी खबर और लाइव कवरेज जानने के लिए हमें फेसबुक पर लाइक और फॉलो करें, YouTube पर हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और 24 घंटे समाचार के लिए विजिट करें www.lifetimes.tv।